आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश इंचार्ज संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगी हुकूमत पर एक बार फिर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का कत्ल जुर्म नहीं है, दलितों का कत्ल या उन पर मुजालिम करना जुर्म नहीं है, बल्कि योगी हुकूमत नस्ल परस्त है या नहीं इस पर आदाद व शुमार इकट्ठा करना और लोगों की राय जानना एक जुर्म है। राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए एक सर्वे के आदाद व शुमार मीडिया के सामने रखे। दरअसल उन्होंने ये जानने के लिए एक सर्वे कराया कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत नस्ल परस्त है या नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि आवाम की राय जानने से पहले यानी रिजल्ट सामने आने से पहले ही हुकूमत ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी राज में दलितों पर ब्राह्मणों पर लगातार जुल्म और नाइंसाफी हो रही है। ये बात सिर्फ मैं या आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, आपके खुद के रुकन असेंबली देवमणि द्विवेदी जी ने इल्जाम आयद किया है कि यूपी में ब्राह्मणों के साथ जुल्म और नाइंसाफी हो रही।